नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेश बराला। धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा के जेल चले जाने के बाद यहां होने वाले उपचुनाव सुर्खियों में है। हालांकि यहां पर राजनीतिक प्रवाह भी धौलपुर से होकर गुजरने वाली चंबल नदी की तरह ही धारा के विपरीत बहता है। तभी इस उपचुनाव की कवायद गर्मजोशी के साथ प्रचार में तब्दील हो चुकी है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, मतदान 9 अप्रैल को होना है और दोनों ही दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वैसे महज एक विधानसभा सीट के लिहाज से इस चुनाव को देखा जा सकता है, लेकिन प्रदेश के सियासी हालात को समझने वालों को यह एहसास है कि चुनाव किसी मुश्किल परीक्षा के पर्चे से कम नहीं है। ऐसे हालात में जीत के जतन तक का ये सिलसिला पार्टियों के लिए साख का सवाल बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट खुद मैदान में मोर्चा संभाल कर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी 2 दिन से धौलपुर में डेरा जमा लिया है। इन हालातों में किसके लिए साख पर सबसे बड़ा सवाल, इस चुनाव में दिक्कतें पनपा रहा है। कहीं बीजेपी की परेशानियां तो नहीं बढ़ रही, या फिर कहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के चेहरे पर मायूसी के बादल और काले तो नहीं पड़ते जा रहे। इन तमाम सवालों पर तफसील के साथ में होगी बात आज शाम खास मेहमानों के साथ। बिग फाइट लाइव चाहिए। और बिग फाइट लाइव में आज के इसी इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ में हैं कांग्रेस विधायक भजनलाल जाटव साहब, बीजेपी नेता मुकेश सहलावत जी, विश्लेषक अवधेश अकोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इस इशू पर बातचीत के लिए आगे बढ़ें, एक खास रिपोर्ट देखते हैं। पूरी राजस्थान में सियासी नजरिए से महत्वपूर्ण धौलपुर के उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें जमी हुई हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन 22 में से 7 प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया। इसके बाद अब मैदान में कुल 15 प्रत्याशी हैं। चुनाव में साफ है कि बसपा के पीछे हटने के बाद अब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रह गया है। तो डकैत जगन गुर्जर की पत्नी ममता की चुनौती भी देखने लायक हो सकती है। 9 अप्रैल को मतदान से पहले प्रचार की मुहिम पूरी तरह से रंगत पर है। अगर सत्ताधारी दल बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो अब तक आधा दर्जन के करीब मंत्रियों ने पार्टी के प्रत्याशी शोभारानी कुशवाहा के लिए प्रचार किया है। जाहिर है कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी को एहसास है कि चुनाव इतना आसान नहीं है। इस चुनाव में बसपा से पार्टी विधायक रहे बीएल कुशवाहा की पत्नी शोभारानी को प्रत्याशी चुना है। धौलपुर में कुशवाहा समाज का बाहुल्य सत्ताधारी पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, तो सरकार का होना भी पार्टी प्रत्याशी को बढ़त पर ला सकता है। इन सब के बावजूद बीजेपी ने पहले ही दिन से कोई रिस्क नहीं रखा, लिहाजा शोभारानी कुशवाहा को बीजेपी की सदस्यता दिलवाने की बात हो या फिर चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करना हो, दोनों ही मौकों पर खुद प्रदेश अध्यक्ष अशोक परिणामी ने मंत्री कालीचरण सराफ के साथ मोर्चा संभाला और ताकत का एहसास करवाया। लेकिन पूर्व विधायक बनवारीलाल शर्मा का कांग्रेस की तरफ से मैदान में आना इस चुनाव की गंभीरता को बरकरार रखे हुए है। धौलपुर के इतिहास में शर्मा की मौजूदगी उनके वर्चस्व को साबित करती है। वो पहले भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जैसे नेताओं को इसी मैदान पर पटकनी दे चुके हैं, तो उम्र और तजुर्बे के लिहाज से हाल ही में वो बीजेपी प्रत्याशी पर खास भारी पड़ते नजर आते हैं। ऐसे में खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने लिए इस उपचुनाव को परीक्षा समझ लिया है। पायलट लगातार एक हफ्ते से कैंप लगाकर धौलपुर की जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बूथ दर बूथ पार्टी के एजेंडे को प्रसारित करने में जुटे हुए हैं। वहीं जवाब में बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री 2 दिन से बैठकों में मशगूल नजर आने लगी हैं, जबकि आधा दर्जन के करीब मंत्री लगातार जनसंपर्क के जरिए शोभारानी के समर्थन में कैंपेन कर रहे हैं। यूपी के आगरा और एमपी के भिंड मुरैना के बीच स्थित इस विधानसभा सीट के लोगों का माइंडसेट समझना इतना आसान भी नहीं है। पूरे प्रदेश में 2013 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद धौलपुर से बसपा का चुनाव जीतना इन आंकड़ों में थोड़ा सा पेंच फंसाता हुआ दिखता है, जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर धारा के विपरीत प्रवाह चुनाव के नतीजों को और रोचक बनाएगा। नतीजा 13 अप्रैल को सामने होगा, लेकिन उससे पहले पायलट की परीक्षा सामने है तो बीजेपी की मुश्किल से सब वाकिफ हैं। ऐसे में साख के सवाल को कौन सा दल पार करेगा, ये देखना फिलहाल दिलचस्प लग रहा है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ महीनों का अंतर मान लीजिए, साल का अंतर मान लीजिए, उससे पहले उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर एक सवाल आपके लिए भी है, क्या बीजेपी को धौलपुर में हार का डर सता रहा है?
आप अपना जवाब दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए और हमारी फोन लाइंस भी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा, कांग्रेस विधायक हमारे साथ में है जाटव साहब। कहा जा रहा है कि चार जगहों पर पटकनी जिस प्रकार की लगी है, सरकार आपकी नहीं बन पाई विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद में कहीं ना कहीं पायलट की परीक्षा थी, इसी के चलते बनवारीलाल शर्मा जी को वहां उतारा गया है, बुजुर्ग वर्ग हैं, फिर भी जो है कहीं ना कहीं रिस्क लिया गया और कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश वो भर नहीं पा रहे हैं, ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं। तेज जी, ये जो राजस्थान, हर प्रदेश की जो स्थिति होती है वो सब प्रदेश की अलग अलग होती है। राजस्थान की स्थिति अलग है, बाकी जो और राज्यों में चुनाव है उसकी स्थिति अलग है। और मैं कहना चाहूँगा, बनवारी जी 5 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, उनका वर्चस्व रहा है। और मैं निश्चित तौर पर कहूँगा, मैं खुद नामांकन जब भरा था मैं खुद गया था वहाँ पे। लेकिन वो आखिरी बार चुनाव लड़ने का सहारा ले रहे हैं इस बार। बिल्कुल वो आपके आखिरी बार लड़े हैं, वो तो बाद की बात है, बाकी जो उनका जो वहाँ पे कार्य क्षेत्र रहा है, उनकी जो शैली रही है, और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा, और मैं एक सबसे बड़ी बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी अपने कार्यकर्ता को वहाँ से टिकट देती तो बहुत अच्छा रहता। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला, जिस विधायक पर इन्होंने संगीन आरोप लगे और उस विधायक की सदस्यता खत्म कराई, और वो विधायक की पत्नी इतनी अच्छी प्रत्याशी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बन के निकलेगी, ये आम जनता वहाँ की जानती है। और मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि ये चुनाव, जैसे पूर्व में भी हमारे जो उपचुनाव हैं, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा ये सीट भी हम लोग जीतेंगे और भारी मार्जन से जीतेंगे, मैं आपके आपसे ये वादा करता हूँ। बीजेपी से मुकेश शेलावत जी हमारे साथ में है। मुकेश जी, ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है नैतिकता के लिए जानी जाती है, बावजूद इसके सजायाफ्ता की पत्नी को वहां से टिकट दिया गया है, बीजेपी में शामिल करवाया गया, क्या कहेंगे? इस बार साख का सवाल हो गया था, ये जरूरी था। तेज जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपके अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बता रहा है कि वैरव सिंह शेखावत भी वहां से चुनाव हार चुके हैं, ये बिल्कुल गलत है। वैरव सिंह जी एक ही बार चुनाव लड़े में जीते हैं, वैरव सिंह जी एक ही बार चुनाव लड़े हैं और वो चुनाव जीते हैं वहाँ से, तो वैरव सिंह जी वहाँ से कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि साहब इनको कार्यकर्ता नहीं मिला, तो पहले वो हमारी कार्यकर्ता बनी, उसके बाद में हमने उनके उम्मीदवार होने पर चर्चा की है, और सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपनी राय शुमारी उपलब्ध व्यक्त की है उसके बाद ही हमने उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए ये कहना कि पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिला या कार्यकर्ता नहीं मिला है। तीसरा, जो माननीय विधायक महोदय का जो आरोप था कि इन्होंने एक अपराधी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अपराधी का परिवार अपराधी नहीं होता है, व्यक्ति अपराधी होता है और उसकी वो सजा च पा रहे हैं। ये तो जैसा बता रहे, करेक्ट करना चाहेंगे, कड़ी टक्कर मिली थी भैरव सिंह शेखावत को, कुछ ही जो 10,000-13,000 के समथिंग कुछ वोटों से। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, भैरव सिंह जी शेखावत साहब चुनाव जीते थे। लेकिन क्या लगता है, धौलपुर जो है विपरीत धारा के लिए जाना जाता है? नहीं, वो तो वहाँ की स्थिति रही है, ऐसा नहीं है। विपरीत धारा में जो उसको जाना था वो एक बार जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से आम चुनाव में हार चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिले में 3 सीट विधानसभा सीटें जीती थी, और इस बार जिस प्रकार माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने धौलपुर जिले के अंदर विकास करवाया है, उससे हम अपने काम के दम पर और कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर हम कह सकते हैं कि इस चुनाव को हम भरी बहुमत से जीतने वाले हैं। बनवारी लाल जी चाहे 5 बार चुनाव लड़े हों, 10 बार वो चुनाव लड़े हों, 5 बार वहाँ से विधायक रहे हों, लेकिन वो क्षेत्र आज भी विकास के मामले में अवरुद्ध था माननीय मुख्यमंत्री बनने के पहले, माननीय वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले। और जब वो मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे प्राण प्रण से प्रयास किया, तो आज वहाँ की जनता इस बात को स्वीकार करेगी। पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ में हैं। ओम जी, क्या लगता है ये चुनाव, उपचुनाव जो है ये विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा या फिर इसे साख का सवाल कहा जाए? नहीं, विकास वाला एजेंडा तो 5 राज्यों के चुनावों में बिल्कुल समाप्त हो गया। अब तो एजेंडा सिर्फ एक सा है, एक है, वो ये कि मोदी जी और अमित शाह जिस तरह की रणनीति अपनाते हैं उसके सामने बाकी जल्द धराशायी हो जाते हैं। बूथ लेवल तक उनका अपना काम होता है और वहाँ से ही सब कुछ हासिल करने का सिलसिला होता है। नैतिकता वाले सवाल भी सब गौण हो गए। जितने भी यूपी में देखे हम लोग, खास तौर से जिस तरह के प्रत्याशी आए मैदान में और जिनको धो पहुँच के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में पेश किया और विन कर गए, बिल्कुल वो की वो स्थिति यहाँ पर। आप ही शोभा रानी को कि साहब वो एक अपराधी की पत्नी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर रणनीति का सिलसिला वैसा ही रहा जैसा कि प्रधानमंत्री चाहते रहे, अमित शाह चाहते रहे, और आज शाम को चर्चा हुई है सांसदों जिस तरीके से बातचीत किए प्रधानमंत्री ने, और उनको बताया है कि किस तरीके से आपको बूथ लेवल पर जाकर के काम करना है, और हर सांसद को
72 घंटे उन जिलों में उन जगह पे उतार रुकना पड़ेगा जहाँ पर ये सारा सिलसिला है। तो बिल्कुल वो की वो रणनीति आपको इस चुनाव मैदान में देखने को मिलेगी। बाकी सरकार के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, कर्जे में डूबी हुई है सरकार, निवेश भी नहीं आ रहा है, कोई राजस्व का कोई नया सिलसिला भी नहीं है, वो सब संकट हैं। लेकिन चुनाव की जो रणनीति वो इतनी 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 प्रभावशाली है। अवधेश शाकोदिया जी जो हमारे साथ में है विश्लेषक, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ओम सैनी जी कह रहे हैं यूपी लहर का असर पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए, जो धौलपुर क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, वहाँ पे इसलिए वहाँ पे बसपा इतना अच्छा करती रही है काफी समय से। मैं जहाँ तक मानता हूँ ये जो उपचुनाव है ये ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि 2013 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर थी, 163 सीटें भाजपा को मिली थी, उसके बावजूद यहाँ पर वो सीट हार गए थे और हारे ही नहीं थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। पहली बात तो ये। दूसरा, वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, यदि वहां पर इतने साल काम करने के बाद भी अब केवल एक सीट का चुनाव है, जहां पर पूरे उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल के काफी वरिष्ठ सदस्य वहां पर लगा रखे हैं, खुद वहां पर हैं, इतने बाहर से भी वहां पर नेता और कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी अगर वो चुनाव नहीं जीत पाती हैं तो धौलपुर से चुनाव जीतना उनके लिए आसान काम नहीं है भविष्य में आगे जाके कभी भी। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सीट उनके पास तो थी नहीं, वो सीट बसपा के पास थी। बसपा चूंकि उपचुनाव में आमतौर पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, उनका प्रत्याशी इस बार नहीं है, तो भाजपा के लिए बड़ी जो चुनौती है, 2013 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें उनको करीब 35,000 वोट मिले थे, इतनी प्रचंड लहर में भी। अभी चूंकि दो ही प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से, बाकी प्रत्याशी भी हैं निर्दलीय, तो जो उम्मीदवार चुनाव जीतेगा उसको करीब 60,000 वोट हासिल करने होंगे। तो आपने इतनी प्रचंड लहर में 35,000 वोट लिए, उसके अलावा आपको करीब 25,000 वोट और चाहिए, तो जो बसपा का वोट बैंक है उस वोट बैंक को कौन कितना ले पाता है अपने कब्जे में, उसके ऊपर जीत और हार तय करेगी। जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, उम्मीदवार क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो भाजपा दावा करती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, तो इन चुनावों में कम से कम वो कहीं दिखाई नहीं देता है। पहली बात, आपने एक अपराधी की पत्नी को टिकट दिया, चलिए इनकी बात बिल्कुल सही है कि किसी व्यक्ति के अपराधी होने से उसका परिवार अपराधी नहीं हो जाता है, लेकिन खुद उम्मीदवार के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, चिटफंड के मामले दर्ज हैं, उनको आपने बुला दिया। फिर इनका ये कहना है कि वो हमने पहले उनको भाजपा का कार्यकर्ता बनाया उसके बाद हमने टिकट दिया। भाजपा का कार्यकर्ता बनाया आपने, लेकिन उससे पहले तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता थी नहीं, बसपा की वो जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी भी वो सक्रिय सदस्य नहीं थी, ना ही कोई पदाधिकारी थी। तो एक बिल्कुल आपके टिकट देने का जो आधार है वो सिर्फ ये है कि एक पूर्व विधायक की पत्नी है जो वहां से प्रचंड लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर धकेलकर वहां से जीते थे। मुकेश जी, आप किस रूप में देखते हैं तमाम आरोपों को? नहीं, आरोप इनका है कि भाई वो कोई राजनीतिक क्षेत्र में कार्य नहीं करती, तो कोई ना कोई कभी ना कभी प्रारंभ तो करेगा। वो किसी भी वक्त पर पहला कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शोभा रानी जी ने इस वक्त को चुना और उन्होंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया है, इसलिए ये आरोप लगाना कि वो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नहीं थी, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की, माननीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया, और उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी तो सभी कार्यकर्ताओं की राय लेकर, पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद में पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनको चुनाव लड़ाना ठीक रहेगा, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। साथ ही जैसा सैनी साहब बता रहे थे कि नैतिकता नहीं रही, तो ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर दो पहुंच के उम्मीदवार बना दिया, तो 282 पे पहुंचने के लिए निश्चित रूप से अगर कोई विचारधाराओं में परिवर्तन आएगा तभी जाके ये चुहार 5 सालों के बाद में समीकरण बनते बिगड़ते हैं। बिल्कुल, इन्हीं समीकरणों पर बातचीत करेंगे, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, और उसमें क्या कुछ सामने आएगा ये देखेंगे किस प्रकार से बीजेपी हो या कांग्रेस इस समय धौलपुर में डेरा डाले हुई है, क्या कुछ वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, किस प्रकार से जनसभाएं आयोजित की गई थी और किस प्रकार से वहाँ पर पूरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं साख से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कुछ प्रतिशत वोट तो विकास कार्यों का होता ही है और उसके साथ कुछ आगे का देख के वोटर निश्चित करता है कि आगे विकास होंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी घोषणाएँ सरकार ने की हैं उपचुनाव के मद्देनज़र, तो उसमें
मतलब प्रतिशत तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी हद तक वोट सरकार के पक्ष में जाता है। धौलपुर का जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी शक्ति झोंक रखी है, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस इलेक्शन में दोनों ही पार्टी अपनी प्रतिष्ठा की या अपनी साख को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये जो अपना इलेक्शन धौलपुर का उपचुनाव हो रहा है, इसकी हार और जीत से ही आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें ये निकल के सामने आएगा कि किस पार्टी को इसमें बहुमत मिल सकता है।